बहराइच में भाजपा प्रत्याशी आनंद गोंड के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष पर जमकर बरसे। विपक्ष को चुनौती देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि औकात हो तो तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक कर दिखाओ, तुम जितना विरोध करोगे हम जनता के आशीर्वाद से उतना जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पहले सपा सरकार में बम बनाने की फैक्ट्री लगती थी, अब मिसाइल और जहाज बनाने की फैक्ट्री लगती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सपा को 2024 में समाप्तवादी पार्टी बनाकर छोड़ना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है, अब राम भक्त इन्हें ठुकराएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि सपा के लोग कहते हैं कि मुझसे साइकिल का पंक्चर बनवाएंगे, लेकिन हम इनकी साइकिल ही जब्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, हर गरीब आदमी को अमीर बनाएंगे, दलितों आदिवासियों और पिछड़ों का हक छीनने वाले हैं जिनको 2024 में सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि विरोधी कहते हैं अगर हमसे वसूली ना की जाए तो हम मोदी चालीसा पढ़ेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपराधियों, माफिया और गुंडों की पार्टी बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2014 में मोदी लहर थी, 2019 में आंधी थी और अब 2024 में मोदी की सुनामी आएगी। स्ट्रीट बस के लिए बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी के रूप में और माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी जिसने कांग्रेस से गठबंधन किया है, ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। और जब यह सरकार में थे, आप भूल गए होंगे इसलिए याद दिला रहा हूं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर आप सबको याद है तो उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, जो जमीन खाली पड़ी होती तो उसमें सपा के गुंडे कब्जा करते थे कि नहीं करते थे, बताओ दोनों हाथ उठा करके। और सपा की सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, अपराधी, माफिया, बताइए सही है कि गलत है? अगर देश की जनता मोदी के साथ है तो देश के दुश्मनों, गरीबों के दुश्मनों, किसानों के दुश्मनों, नौजवानों के दुश्मनों, महिलाओं के दुश्मनों, तुम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। इसलिए मैं आप सब लोगों से, मैं भी एक गरीब माँ बाप का बेटा हूं, हम भी कच्चे मिट्टी के मकान में रहे हैं, बरसात के महीने में जब कच्चा मकान होता था तो पानी टपकने लगता था, घर की माताएं बहने छत पे जाती थी, बहुत से घरों में तो छाता भी नहीं होता था, बोरी घर छत पे रख करके जाती थी, बोरी बचते हुए, और जाकर के पानी जहां टपकता था उसे बंद करके आती थी, कुछ देर बाद फिर पानी टपकने लगता था। ये प्रधानमंत्री आवास बनाने की चिंता ये सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं किया? मैं नहीं जानता इस क्षेत्र में कितने घर बने, मैं उसका हिसाब लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर बने हैं। और मोदी जी ने कहा 4 जून को वोटों की गिनती के बाद 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाऊंगा, और जो भी बिना घर के होगा उसको घर बना करके देने का काम करूंगा। विरोधियों तुम्हारे पास दम है तो रोक लेना, मोदी गरीबों का घर बना करके दिखा देगा। आप सबके आशीर्वाद से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तब 2014 में भी आपने कमल खिलाया था, उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया था, इसके बाद भी आपने कमल खिलाया, तब मोदी जी की आंधी थी। लेकिन 2024 में जब आपको कमल खिलाने का काम निश्चित तौर से करना है, यह अपील करते हुए